अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो का आनंद लेते रहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं सैम और आप देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। और आज मैं आपको जो मेरा जो मॉक्स ब्रेक लीवर और क्लच लीवर है उसका रिव्यू आपको देने जा रहा हूँ। मैंने ये एक ब्रेक लीवर लिया था मेरे R15 के लिए और ये एक ब्रेक लीवर लिया था मेरे RS200 के लिए। और मैंने मेरा R15 सेल कर दिया है, उसकी वजह से मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया, तो ये अभी भी मेरे पास है। और ये जो है वो है मेरे जो RS200 है उसके लिए। और ये जो ब्रेक लीवर है वो इतना अच्छा नहीं है। मैंने जब इसको इंस्टॉल किया था मैंने दो या चार दिन के अंदर अंदर मैंने इसको रिमूव कर लिया था, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने के 2 दिन के बाद ही मेरे ब्रेक जो सामने वाला जो ब्रेक पैड है वो पूरा जाम हो गया था। क्यों पता नहीं, इसको ठीक ठीक तरह से इंस्टॉल किया गया था कि नहीं मुझे पता नहीं। मैंने बजाज का जो शोरूम है, जो सर्विस सेंटर है, वहाँ से इसको इंस्टॉल किया था, तो वो लोग मुझे बोला था कि ये अच्छा नहीं है। अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन आपके अपने बाइक पे करते हैं तो आपका जो बाइक का जो लाइफ होता है वो धीरे धीरे कम होने जाता है और आपको बाइक के आपके बाइक पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप ऐसे कोई भी मॉडिफिकेशन मत कीजिए। मैंने ये एक मॉडिफिकेशन करके देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। आप देख सकते हैं ये रहा जो ब्रेक लीवर है। और ये जो ब्रेक लीवर है वो मैंने ₹1200 में ईबे से लिया था। ये दिखने में अच्छा लग रहा था। मेरे दोस्त भी और एक बाइक में, आरएस में नहीं, और एक उसका बाइक है उसमें लगा था, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने भी मेरे आरएस के लिए ऑर्डर किया था। तो अगर आपको आपको शायद आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, तो अगर आप ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। अगर आपको आ रहा है तो प्रॉब्लम, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मेन प्रॉब्लम है वो है ये जो ब्रेक पे लगाने के ब्रेक सॉरी ब्रेक लीवर लगाने के बाद मेरा जो फ्रंट ब्रेक जाम हो गया था, उसके बाद जो क्लच लीवर है वो ही बहुत टाइट था, यूज करने में प्रॉब्लम हो रहा था, उसके लिए मैंने इसको रिमूव कर लिया। ऐसे प्रोडक्ट अच्छा है दिखने में, और सुना है कि ये अच्छा नहीं है आरएस के लिए, तो अगर आप आरएस में ये लगाना चाहते हैं तो सोच समझ के लगाइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही बाइक के एक्सेसरीज रिलेटेड वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे सजेशन दे सकते हैं कौन सा एक्सेसरीज का नाम बता सकते हैं, मैं उसका रिव्यू बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।